मनोहर भाई पटेल की स्मृति में डीबी साइंस कॉलेज के ग्राउंड पर 117वीं जयंती प्रवीणता प्राप्त छात्र छात्राएं समाजसेवी खिलाड़ी किसान का सम्मान अतिथियों ने स्वर्ण पदक देकर किया। सर्वप्रथम द्वीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगपति सज्जन जिंदल, फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ और लोकमत समूह के विजय दारडा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अध्यक्षता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने की। प्रस्तावित पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों ने स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल इनके कार्यों की प्रशंसा कर उद्योगपति सज्जन जिंदल से जिले में उद्योग खोलने हेतु कहा। भंडारा में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मनोहर भाई पटेल ने एक ही दिन में 22 हाई स्कूल और एक सीनियर कॉलेज जो यहाँ पर तो देख रहे हैं, ये गोंदिया शिक्षण संस्था का पहला कॉलेज है और इसके और 22 स्कूल जो शुरू किए आज के जमाने में आपको मालूम है लोग स्कूल के लिए आपके पास दौड़ते हैं। हमको एक शाला की परवानगी देव टाका माला मनोहर भाई पटेल ने 22 हाई स्कूल बनाकर पूरी बनाकर जिला परिषद को दान में दी ताकि हमारे जिले के बच्चों का शिक्षण पालन पोषण हो सके। पूरे देश के अंदर ये दिन मनाया जाता है मनोहर भाई पटेल का, खास करके गोंदिया में, क्योंकि मैं उनकी जीवन के बारे में पढ़ रहा था और ये जानकर कि यहाँ पर एक भी स्कूल नहीं था और वो गुजरात से यहाँ पर आए थे 16 साल की उम्र में और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक दिन के अंदर 22 स्कूल की नींव रखी और कॉलेज जिसमें आज जिसके प्रांगण में आज हम लोग यहाँ सब बैठे हैं एकत्रित हुए हैं, वो कॉलेज 1958 में बना था, आज से करीब करीब 64 साल 65 साल पहले। तो ये जानकर, क्योंकि मैं भी जैसा प्रफुल्ल पटेल जी ने बताया कि मैं भी हिसार से आता हूँ हरियाणा में, जैसा आपका यहाँ पर गोंदिया है वैसा ही हिसार है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पर भी इसी तरह का एटमॉस्फेयर है, ऐसा ही माहौल है। मनोहर भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि प्रफुल्ल पटेल जी जो उनके सुपुत्र हैं, जिस ढंग से उन्होंने ये संचालन किया है, पूरा उन्होंने अपनी जीवनी को जैसे आगे बढ़ाया है और उनके दिमाग के अंदर मन के अंदर गोंदिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम भावना है, बहुत ज़्यादा उनके मन में है कि गोंदिया को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए और उसी में से आज देश का विश्व का निर्माण होने वाला है। यहाँ की सारी संस्थाएं तो बहुत अच्छी चली रही है और विशेष बात मुझे ये लग रही है कि उस समय में 1950 में जब शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, उद्योग की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसानों का कोई हवाल नहीं था, उस समय में मनोहर भाई ने यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की और आज जो आपको ये सुजराम सुजला नजर आ रहा है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। गोंदिया और भंडारा जिले में जो प्रावीण्यता प्राप्त छात्र हैं, आज इस वर्ष हम उन पत्रकारों को एक एक गोंदिया भंडारा जिले से एक एक माननीय पत्रकार महोदय को सम्मानित करेंगे। सामाजिक सेवा और सामाजिक नागपुर से गोंदिया एक घंटे में आप पहुंचेंगे, इस प्रकार का ये समृद्धि हाईवे होगा और समृद्धि हाईवे हम गढ़चिरौली भी लेकर जा रहे हैं ताकि ये जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हमको भंडारा गोंदिया चंद्रपुर गढ़चिरौली और वर्धा ये पूर्व विदर्भ में तैयार कर रही है, इसकी पूरी कनेक्टिविटी ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसका दूसरा फायदा ये होगा, आज भी हम लोग बड़े पैमाने पर धान का एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन जिस प्रकार की लॉजिस्टिक कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं उस लॉजिस्टिक कॉरिडोर के चलते हमारे धान तैयार करने वाले किसानों को और एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर उसकी मदद मिलने वाली है। हम तो आप जानते हैं धान के किसान को अपन ने बोनस भी इस बार दिया है और बोनस की पद्धति भी बदली है, अब तो सीधा अकाउंट में हम लोग बोनस दे रहे लेकिन बोनस से आगे जाकर हमारा धान का किसान ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट हो, इस प्रकार का प्रयास आने वाले दिनों में हमको करना है और उसी दृष्टि से तो आप लोग का नसीब है कि प्रफुल्ल भाई जैसा इंसान मिला है आपको, मेरा दोस्त। बाकी आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछने का पूछने का बिल्कुल रास्ता बुलाया जाता है, मैं बोलकर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आंसर दे सकता है, तो आपका कोई मेरा है अभी कोई पूछने वाला
दो बच्चे लोग को कुछ और एक बीमारी में डिसऑर्डर मानते हैं, ब्लड डिसऑर्डर थैलेसेमिया। शादी करने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करो, चिल्ला के कान में से बात मत निकालो, ये कान में डाल अंदर का, इधर से निकाल मत, समझा? थैलेसेमिया।